उस दिन सनसेट सनराइज वाला क्वेश्चन कराया था मैंने कि व्हाई डज स्काई अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट सनराइज, किसका एग्जांपल है ये, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एग्जांपल है ये, कि सन बहुत दूर होता है हराइजन के पास होता है, सनराइज हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो बाकी सारे कलर शॉर्ट वेवलेंथ के उसमें कंज्यूम हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, इन द रिमेनिंग लाइट रेड कलर डोमिनेट्स विच वॉज लीस्ट स्कैटर्ड बिकॉज ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इसलिए वो स्काई हमें उस टाइम पे रेडिश ऑरेंजिश दिखाई दे। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के भी एक दो एग्जांपल कर लो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है कौन बताएगा, बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, तो जब लाइट एयर में बेंड करती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सिंपल रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल किए थे हमने, याद है कोई कोई एग्जाम्पल दे सकते हो सिंपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन प्रैक्टिकल? यस, कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन कैप्ट इन अ बकेट कंटेनिंग वाटर, स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी शैलोअर, बाहर से देखने पे स्विमिंग पूल लगता है कि ज्यादा गहरा नहीं है, डेप्थ ज्यादा नहीं है, अंदर जाते हैं तो पता चलता है बहुत डीप है। और पेंसिल बेंट appears to be bent and short, pencil dipped in water appears to be bent and short, or kaun se examples hai, or bhi rasgullas kept in sugar solution appear to be bigger, ye sare example diye hue hain। ab refraction ke atmospheric refraction ke example ek to ye hai ki the day is longer by 4 minutes actually because of atmospheric refraction, the length of the day is not 24 hours, it is 4 minutes longer actually, and this happens because of atmospheric refraction of light। to isme kya hota hai reason, kya aap iska question ke form mein likho question, why does sun appear ya become visible, why does sun become visible 2 minutes before the actual sunrise, why does sun become visible 2 minutes before the actual sunrise and remains visible 2 minutes after the actual sunset, and remains visible 2 minutes after the actual sunset? Why? तो उसका मतलब यही है कि 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, तो एक्चुअली 4 मिनट्स का गैप आ जाता है। अब उसका रीजन ये है क्योंकि जब सन अभी राइज नहीं हुआ है, तो ये होराइजन है, ये अर्थ है, सन अभी राइज नहीं हुआ, 2 मिनट पहले जस्ट होराइजन के नीचे है, ये हमें दिखेगा अर्थ से तब जब ये ऊपर आएगा। ठीक है, अब अर्थ के पास एयर ठीक है, उसके बाद डेंसिटी कम होती जाती है, तो जब सन से लाइट अर्थ की तरफ आती है, इट गोज ऑन बेंडिंग टूवर्ड्स एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाती है, एंड हम अगर अर्थ पे खड़े हैं हमें लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है, तो सन की इमेज हमें यहां दिखनी शुरू हो जाती है, इसलिए वो विजिबल हो जाता है। तो जो 2 मिनट पहले दिख रही होती है अभी सन की इमेज होती है, हमें लगता है कि सन राइज हो गई, ऐसे ही सनसेट के बाद भी 2 मिनट तक वो दिखता रहता है। ये बना लो डायग्राम बना लो, यहीं से आपको याद आ जाएगा कि क्या चीज थी। ठीक है, सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ, इट गोज ऑन बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड टू अ पर्सन ऑन अर्थ इट अपीयर्स एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, सो सन बिकम्स विजिबल 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। सेम थिंग हैपेंस एट द टाइम ऑफ सनसेट ऑल्सो, तो 2 मिनट तक विजिबल ही रहता है।
ठीक है। सेकंड एग्जांपल बना लिया ये। सेकंड एग्जांपल इज कि सन लुक्स परफेक्टली स्फेरिकल एट द नून टाइम बट इट अपीयर्स फ्लैट और ओवल एट मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम्स। कि नून टाइम पे तो सन जो है वो पूरा स्फेरिकल नजर आता है बट मॉर्निंग इवनिंग टाइम पे थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड, थोड़ा सा ओवल शेप्ड नजर आता, थोड़ा सा स्लाइड सा। उसका रीजन भी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है कि जो नून टाइम है ना, नून टाइम पे सन बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, अर्थ के ओवरहेड होता है, तो नॉर्मली रे फॉल करती है। एंड यू नो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस नो बेंडिंग नो रिफ्रैक्शन टेक्स। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्शन होती नहीं, रे सीधी चली जाती, बेंड ही नहीं होती, इसलिए हमें सन की शेप में कोई भी नजर नहीं, फर्क नहीं नजर आता। मॉर्निंग इवनिंग टाइम पे सन रेज जो है वो ऑब्लीकली फॉल करती है, किसी एंगल पे फॉल करती है, आपको पता है ना मॉर्निंग इवनिंग टाइम पे, तो फिर वो बेंड होती है। बेंड होती है तो उसके टॉप और बॉटम से जो रेज आ रही होती हैं वो हमें थोड़ी सी डिफरेंट शेप की इल्यूजन देती है। उसकी वजह से टॉप और बॉटम से सन की शेप हमें थोड़ी फ्लैट लगती है, ओवल सा लगता है। दिस इज अ रीजन। तो इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग इवनिंग टाइम पे जो सन की रेज हैं वो ऑब्लीकली फॉल करती हैं, इसलिए बेंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें उसकी शेप डिफरेंट दिखती है। बट नून टाइम पे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। Is that clear? Next example है, why do the stars appear to twinkle at night? तो वो भी हम atmospheric refraction की वजह से बता सकते हैं। Why do the stars twinkle? अब ये अर्थ है, यहां पे एयर ज्यादा डेंस है, यहां कम है, यहां और कम है। अब एक स्टार है, उससे जब लाइट एंटर करती है, अर्थ की तरफ आती है, तो ये टुवर्ड्स बेंड होती जाती है, बिल्कुल वैसी जैसे यहां से। तो इट गोज ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां से जो देख रहा है उसको लगेगा कि स्टार यहाँ पे, यहां नहीं है, यहां है। दिस इज कॉल्ड रियल पोजिशन ऑफ द स्टार and this is called apparent position of the star, apparent position of the star। चलो पर ठीक है, यहां नहीं तो वहां नजर आ गया, पर twinkling क्यों लगता है? उसका reason यह है कि air, earth की जो air की density है वो भी uniform नहीं है, वो fix नहीं है, it is continuously changing, because density of air is continuously changing, that's why apparent position of star is also continuously changing। ये change होती जा रही है इस तरह से, तो हमें वो ऐसे लगता है कि twinkle कर रही। तो stars appear to twinkle, actually they are not twinkling, they appear to be। ये exhaust बंद हो गया। They appear to twinkle। Is the reason clear? पहले तो आप ये बताओगे कि because of atmospheric refraction a star appears to be at a different position, that position is called apparent position, but since density of atmosphere is changing continuously, apparent position of star also changes continuously, apparent position of star also changes continuously, so that gives it a twinkling effect, that gives it a twinkling effect। ठीक है, तो ये एग्जांपल। अब प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, ये भी इसी का ही है। प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल बिकॉज प्लैनेट्स आर बिगर एंड क्लोजर आल्सो टू द अर्थ। अब जो बिग ऑब्जेक्ट है वो एक कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। स्टार इज ओनली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट प्लैनेट इज
an extended object that is a collection of a number of point objects like stars, each one twinkling. पर दूर से अब सपोज कर लो दिवाली लाइट्स हैं, एक दिवाली लाइट ट्विंकलिंग आपको दिखेगी. अगर आप दिवाली लाइट्स का पूरा बंच, ट्विंकलिंग बंच आप होल्ड कर लो ना एक ही प्लेस पे, तो वो आपको ट्विंकल करता नहीं लगता ज्यादा. दूर से अगर आप देखो रात को, तो आपको वो ज्यादा ट्विंकलिंग नहीं लगेगा, वो दूर से लाइट का एक बंडल नजर आएगा आपको, और वो एक दूसरे की जो इंटेंसिटी उसको कैंसल आउट कर देते, एक दूसरे को इंटेंसिटी को कैंसल आउट कर देते हैं, तो इसलिए वो हमें ट्विंकलिंग लग. दिस इज द रीजन. ठीक है, तो लिख लो ये, प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल बिकॉज प्लैनेट्स आर अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. प्लैनेट्स आर अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ ट्विंकलिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, अ नंबर ऑफ ट्विंकलिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. They cancel each other's intensities. They cancel each other's intensities, nullifying each other's twinkling effect. Nullifying each other's twinkling effect. They cancel out. In क्या लिखा था मैंने? Intensities, thereby nullifying the twinkling effect, so they don't appear to twinkle. चलो अब हम कुछ practice questions करते हैं. ठीक है, पहले तो power of lens वाले जो question है वो ही practice करें. चलिए सॉल्व करो. लिखो, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ कंकेव लेंस, a concave lens of power 10 diopter, 10 diopter. Find the focal length of combination. Find the focal length of combination. चलिए, कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला है दो लेंसेज की पावर निकालने का? पहले तो पावर निकालेंगे, फिर फोकल लेंथ निकालेंगे कॉम्बिनेशन. तो ये फॉर्मूले होते हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और 1/F इज 1/F1 प्लस 1/F2, क्योंकि पावर होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. तो यही इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन हमने निकालनी है, कैपिटल है. चलो पहले ये निकालो कितनी है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, कितनी है? Yes, anyone? How much is power of combination? कितनी है? ठीक है, रिदम ठीक है क्या? Yes, आप ठीक है? इधर महक, -5 diopter. आपको नहीं पता कि कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कंकेव लेंस की नेगेटिव होती है? ये किसी ने आपको इनविटेशन नहीं देना, इसका लिखा नहीं होना क्वेश्चन में आपको याद करवाने के लिए. आपको ये पता है ना कि फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है और कंकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो पावर भी तो ऐसी होगी ना. इसमें देखो आपको नंबर नहीं मिलेगा कोई भी, अगर आप नेचर ऑफ लेंस को इग्नोर करोगे. देखो पूरा आंसर ही चेंज हो गया आपको. ये भी साथ में पार्ट अटैच करो, ऑल्सो प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन, ऑल्सो प्रिडिक्ट
द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन. नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, चलो बताओ क्या है, बोलो. नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ये देख लो, सामने आपके आ गई है पावर माइनस फाइव. इसका मतलब रिजल्टिंग जो कॉम्बिनेशन बना जो फाइनल, वो कंकेव है, डाइवर्जिंग है इन नेचर. माइनस है ना आ रही पावर, पॉजिटिव तो नहीं आ रही. इसका मतलब नेट जो आपका इफेक्ट आएगा कॉम्बिनेशन का, वो माइनस वाला होगा, मतलब कंकेव लेंस वाला होगा, डाइवर्जिंग लेंस वाला. सो नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी डाइवर्जिंग. चलिए अभी तो पावर निकाली हमने, निकालना है फोकल लेंथ वन ओवर एफ. अब बताओ फोकल लेंथ कितनी आई, यस माइनस नहीं, ये देखो एफ उधर ले जाओ, फाइव नीचे ले आओ. 0.25 कहां से आया, वन ओवर 5.2 होता है, 25 थोड़ी होता है. तो ये हो गया 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर. अगर आप 100 ओवर एफ यूज करो तो सीधा ही माइनस 20 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो ये याद रखना है, इफ पावर इज इन डायोप्टर, फोकल लेंथ पहले मीटर में आएगी. अगर आप वन ओवर यूज कर रहे हो, 100 ओवर एफ यूज कर लोगे तो ठीक है. इज दैट फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अब Which one of the following, ये बनाइए, which one of these will give out a single ray? Which one of these will give out a single ray? किसमें single ray निकलेगी, last में, इसमें ऐसे बनेगा, इसमें क्या होगा, इन तीनों में सिंगल रे नहीं निकलेगी. हाँ मतलब सनलाइट फॉल कर रही है, ये दिया हुआ है सनलाइट. हाँ तो इन सब में सेवन कलर निकलेंगे, सब में सेवन निकलेंगे. अच्छा अब अगर मैं एक ऑप्शन ऐसे दे देती, इसमें कितने निकलेंगे, इसमें भी एक ही निकलेगा. इसको क्या कहते हैं, न्यूटन रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट. तो अगर आपके ऑप्शन में ये होता तो आप इसको भी फिर यस बोलते. पहला प्रिज्म स्प्लिट करेगा पांच में सात में, और दूसरा इनको कंबाइन करेगा, फिर एक ही निकलेगी. ठीक है नेक्स्ट लिखो.
फॉर विच वन ऑफ दीज थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप इज द कलर ऑफ स्काई. चलो लिखो क्वेश्चन. आउट ऑफ विच वन आउट ऑफ दीज विच वन आउट ऑफ दीज ऐसे लिखो फॉर विच वन आउट ऑफ दीज थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप विल बी द कलर ऑफ स्काई. थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप विल बी द कलर ऑफ स्काई. सेकेंड के लिए कैसे? हाँ देखो, क्योंकि अगर हम इसमें बनाते हैं तो यहां से शुरू होता है, ये इसका उल्टा बनेगा. यहां भी गया और ऐसे होगा. तो ब्लू कलर फ्रॉम द टॉप ये इसमें आएगा. इसमें क्या होगा? इसमें भी पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा रोटेट कर दिया. नहीं नहीं ये ध्यान से देखो, ये बेस बीसी है. बेस बीसी से तो डिस्पर्जन होता ही नहीं है. आपका प्रिज्म ऐसे होना चाहिए, या तो इधर से रे करो तो हो जाएंगे सेवन कलर, इधर से करोगे तो भी आ जाएंगे सेवन कलर, पर बेस से नहीं होना चाहिए. ये तो बेस बीसी से आ रहा है ना. नहीं, बेस बीसी नहीं, आपके दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस ये वाले हैं. प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस ए बी एंड ए सी. बीसी बेस नहीं होना चाहिए. और ये वाला जो है लास्ट वाला, इसमें ये टेढ़ा करके दिखा रहा है, तो ये पहले जैसा ही होगा, फर्स्ट जैसा. तो पता लग गया ब्लू कलर किस केस में है? सेकंड केस में आ जाएगा फ्रॉम द टॉप. और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. विच कलर इज डेविएटेड द लीस्ट, विच कलर इज डेविएटेड द मोस्ट, ये अच्छे से रट लो. ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं सैंपल पेपर से. चलो बताओ, विच कलर इज डेविएटेड द मोस्ट? हाँ, वायलेट. रेड तो ज्यादा दूर जा ही नहीं सका. ये थोड़ी ना अभी इधर से रेड रेड बोल रहे थे. वायलेट कलर इज डेविएटेड द मोस्ट, रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट. रीजन क्या? रीजन है किसकी ज्यादा है वेवलेंथ? रेड कलर है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, आगे बताओ फिर डेविएशन से कैसे जोड़ोगे इसको. कॉची फॉर्मूला बताया था, हर कलर की डिफरेंट रिफ्रैक्टिव डिफरेंट वेवलेंथ होती है. रेड कलर की लॉन्गेस्ट है, तो कॉची फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट होगा, लेस होगा. और एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम है. सो इट गेट्स डेविएटेड थ्रू लेस एंगल, इट इज डेविएटेड लीस्ट. ठीक है. What is the phenomenon in which path of light becomes visible due to scattering of light by dust particles suspended in the air? Tyndall effect. Tyndall effect tha na? Scattering of light by colloidal particles suspended in the air due to which the path of light becomes visible. Colloidal particle, ye dust particles bhi to colloidal particle hai, just suspended in the air hai. To isliye ye Tyndall effect produce kar rahe hain. Theek hai? Who will tell me five examples of scattering of light? Five examples of scattering of light. Aap batao. Haan ji. Ye example nahi hai. Sunrise sunset keh dene se kya example clear ho gaya hamara? Why does sun appear reddish at the time of sunset or sun? ये क्वेश्चन है आपका. आगे बताओ. एक हो गया. और कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. आप बताओ नेक्स्ट. बैठ जाओ, एक एक सब बता देंगे. ये कलर ऑफ ओशन इज ब्लू. आप हाँ, अरे इतने सारे एग्जांपल कराए हैं. नहीं, ये देखो, डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, क्लाउड्स आर व्हाइट इन कलर, ये सब इसी के तो एग्जांपल हैं. कलर ऑफ स्काई ऑन मून इज ब्लैक,
ये सब स्कैटरिंग और लाइट के एग्जांपल नहीं है। फिर हमें अभी कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा तो एक्सप्लेनेशन कब करेंगे? ठीक है बच्चे, ध्यान से थोड़ा पढ़ लो फिजिक्स को, ऐसे नहीं होता। प्री बोर्ड्स हैं अब आपके, फिर बोर्ड्स हैं, तो इतना लाइटली नहीं ले सकते आप। कभी स्कूल आ गए, कभी नहीं आ गए, घर में पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, टेस्ट दिया नहीं दिया, ऐसे नहीं चलना काम। यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड क्लास है ये आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Which of the following is responsible for formation of rainbow? Which of the following is responsible for formation of rainbow? बताओ। और मैं एक चीज बताऊं, यहां तो चलो ऑल द अबव है आंसर, सभी केसेस में ऑल द अबव आंसर नहीं होता। ये नहीं कि नन ऑफ दीज देखते ही वो लिख दिया, ऑल ऑफ द अबव देखते ही वो उसको मार्क कर दिया, ऐसे हर एक बार नहीं होगा। हम कुछ क्वेश्चन रखेंगे आपको कंफ्यूज करने के, तो यू हैव टू सी वेरी केयरफुल। हाँ वही टोटल इंटरनल ही रखो आप, दोनों ठीक है ना, मतलब ठीक है। तो आपका ऑल दी अबव, तो तीन फिनोमिना है, एक नहीं है। जब आप एट में थे, आप छोटे थे, आपको बताया गया था कि डिस्पर्जन के करके रेनबो बनता है, बट अब आपको पता चल गया है कि इट इज द मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो। डायग्राम में आपने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रही है, सेकेंडरी रेनबो में दो बार टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, प्राइमरी में एक बार रिफ्लेक्ट होती है टोटल इंटरनली, रिफ्रैक्शन तो हो ही रही है, बेंड हो ही रही है कितने टाइम। तो इट इज नॉट अलोन अ रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ, यू कैन से रिजल्ट ऑफ ऑल द थ्री कॉम्बिनेशन, थ्री प्रोसेसेस टुगेदर। इज दैट ओके स्टूडेंट? फाइन, ठीक है। और कोई आपकी तरफ से डाउट? ह्यूमन आई का चैप्टर अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया, कल हम लाइट चैप्टर रिवाइज करेंगे। इसमें कुछ रह गया और आपका? हाँ, डिस्पर्शन ऑफ, दो डायग्राम बनाइए, आइए फटाफट दो बच्चे आ जाओ यहाँ पे, एक बनाओ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, दूसरा बनाओ डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म डायग्राम। जल्दी आ जाओ, कौन बना सकता है, किसको लगता है? बाकी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, हरी अप। ड्रॉ डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इसका तो प्रैक्टिकल भी किया आपने, और दूसरा है रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट। रिफ्रैक्शन तब होगी जब लेजर लाइट इंसिडेंट होगी एक ही कलर, डिस्पर्शन तब होगा जब व्हाइट लाइट होगी सेवन कलर। हाँ जी, आप तीनों में से कौन आएगा इधर, जिसको लगता है कि मेरे को डायग्राम आता, आ जाओ इधर, आप ड्रॉ करो, रब दिस। और इधर से कौन आएगा, गर्ल्स आप आ जाओ, डिस्पर्शन का डायग्राम है, चौक ले लो इधर, रब कर। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, हरी अब आप भी बनाओ अपनी कॉपी में पार्थ। अरे रिफ्रैक्शन का तो हमने प्रैक्टिकल में भी किया है, याद ही होगा, वो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म था। प्रैक्टिकल करने से आपको याद रहता है कि क्या बनाया था, मैंने फाइल में क्या लगाया है, इतना तो याद ही रहता है, है ना। अरे बेस तक नहीं लगे दोनों, बेस तक नहीं लगे, पहली रे ऊपर को निकाल। जाओ, अरे ऐसे ही रहेंगे, जाओ जाओ। ये व्हाइट लाइट है ना,
तभी तो विबग्योर बनेगा डिस्पर्जन में, सेवन कलर, और ये सनलाइट है, व्हाइट लाइट. बट इन दिस केस रे पहले बेंड होगी, एक बार और बेंड होगी, ये नॉर्मल है. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री का. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इमर्जेंट रे. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल अच्छी तरह से कर लो, बिल्कुल अच्छी तरह से कर लो, किसके बीच में एंगल बनने. बहुत क्वेश्चन है कॉपी सैंपल पेपर्स में इसके ऊपर बेस्ड.